हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर होप चैनल। मैं हूं देवेंद्र गुप्ता। आज वेब डिजाइन का 7th ट्यूटोरियल है। इस ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं कि वेब साइट पे आप पोस्ट कैसे लिखेंगे बाय एलिमेंटर बिल्डर के थ्रू। तो आज मैं उस पूरी तरह से आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एलिमेंटर का यूज करके आप अपने पोस्ट को कैसे लिख सकते हैं। चलो मैं अभी आपको अपने लैपटॉप पे लेके जाता हूँ और आपको बताता हूँ कि आप अपने वेबसाइट के लिए पोस्ट आप किस तरह से लिख सकते हैं एलिमेंटर के थ्रू। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने डैशबोर्ड पे आ जाना है और लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही पोस्ट का ऑप्शन है। यहाँ पे पोस्ट में ऐड न्यू है और ऑल पोस्ट है। अगर आप ऑल पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी आपने पोस्ट लिखा वो सब दिख जाएगा। यहाँ पे अभी आपने तो कोई पोस्ट लिखा नहीं रहेगा, तो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि पोस्ट कैसे लिखना है। यहाँ पे ऐड न्यू करेंगे। ऐड न्यू करने के बाद आपको एक टाइटल सोचना है जिसका आप SEO बहुत अच्छे से कर सके, जिसका आप बहुत अच्छे से आप उसके ऊपर कंटेंट लिख सकें। ऐसे कीवर्ड्स आपको पिकअप करने हैं जो कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और जिसकी जो कैपेसिटी है काफ़ी ज़्यादा है, तो आप उसको रिसर्च कर सकते हैं। आगे की वीडियो में मैं वो भी कवर करूंगा कौन से टूल्स हैं जिसका यूज करके आप कीवर्ड का रिसर्च कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऐड टाइटल दे रहा है। आपको क्या करना है, जो आपका कीवर्ड्स है, जो आपका टाइटल है वो लिखना है। मैंने ऑलरेडी ये सब रेडी करके रखा है, तो मैं सीधा आप यहाँ पे लिखते जाता हूँ। मुझे आज लिखना है गूगल क्रोम में रिव्यू करना है गूगल क्रोम का, तो मैं यहाँ पे उसके लिए मैंने कंटेंट ऑलरेडी बना के रखा है। क्या लिखना है मुझे यहाँ पे सिंपली पेस्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं टाइटल लिख देता हूँ गूगल क्रोम रिव्यू 2022। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। यहाँ पे फोकस की पेस्ट लिखना है आपको। की पेस्ट हमेशा टाइटल से मैच होना चाहिए, ट्राई करें कि मैच में ही होना चाहिए। मोबाइल पे ऐसा दिखेगा, डेस्कटॉप पे ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे आप प्रीव्यू देख सकते हैं कि जब भी हमारा सर्चिंग होगा तो ये ऐसा दिखने वाला। स्लैग मतलब एक हिसाब से वो लिंक रहता है जिसके थ्रू आपका लिंक जनरेट होता है। मेटा डिस्क्रिप्शन में आप एक्चुअली मैंने मेटा डिस्क्रिप्शन तो नहीं लिखा, तो आप यहाँ से सर्च कर लीजिए। मेटा डिस्क्रिप्शन का मीनिंग ये है कि जो हमारा ये जैसे कि ये टाइटल हो गया, यहाँ पे मेरा प्रीव्यू दिख रहा है, एक रिव्यू दिख रहा है। यहाँ पे जो दिखने वाला कंटेंट है इस टाइटल के नीचे जो भी आपका कंटेंट है, यहाँ पे ऐसा डिस्क्रिप्शन लिखना है ताकि लोग इससे अट्रैक्ट होके आपके पोस्ट को रीड करने के लिए जाएं। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो मैं कोई भी अभी फिलहाल के लिए मैं एक डिस्क्रिप्शन ले लेता हूँ। यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेता हूँ फिलहाल के लिए। आप अपने से खुद से लिखिए तो बेटर रहेगा, कॉपी मत कीजिए। मैं आपको सिर्फ बताने के लिए ले रहा हूँ। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए। जब भी मेटा डिस्क्रिप्शन आप डालते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिए, जो गूगल क्रोम जो टाइटल है आपका और फोकस की है वो ऑलमोस्ट सेम यहाँ पे एक बार मेंशन होना चाहिए। तो उससे क्या होगा, तो आपका जो SEO जो रहता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन थोड़ा सा इम्प्रूव रहेगा। तो आप ट्राई कीजिए जो कीवर्ड्स आप यहाँ पे टाइटल में यूज करने वाले हैं वही मेटा डिस्क्रिप्शन में भी थोड़ा वहाँ पे आ जाए तो बेटर रहेगा। और दूसरा, और यहाँ पे ग्रीन रहना चाहिए आपका जो मेटा डिस्क्रिप्शन, बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। आपका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ग्रीन में दिखा रहा है। ये जो प्लगइन है इसकी वजह से मुझे ये सब फीचर्स दिखा रहे हैं, जिसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ प्लगइन से रिलेटेड, कौन कौन से प्लगइन आपको बहुत ही यूजफुल हैं। उसमें से एक ये भी है जिसे योस्ट SEO बोलते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान देना है, जैसे कि यहाँ पे टेक्स्ट का लेंथ 300 तक होना चाहिए। की पेस्ट एंड टाइटल यहाँ पे देखिए डज नॉट कंटेनिंग एग्जैक्ट मैच, जो यहाँ पे टाइटल है और यहाँ पे इसके अंदर मेटा डिस्क्रिप्शन है वो मैच नहीं हो रहा है ऐसा बता रहा है, तो आप थोड़ा मैचेस में लिखिए तो यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा। ये आपको ग्रीन करेंगे तो आपका SEO 100% बहुत ही अच्छा होगा। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको सेव कर देते हैं और पब्लिश में इमीडिएट नहीं करेंगे। हम इसको डेट दे देंगे 11 तारीख का कि हमको ये
ये जो मैं पोस्ट लिख रहा हूँ 11 तारीख को मैं पब्लिश करूँगा। तो यहाँ पे देखिए शेड्यूल का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप शेड्यूल कर दीजिए शेड्यूल। जैसे कि मैंने प्लगइन के वीडियो में बताया था, इंसर्ट जो टेबल कंटेंट जो होता है एक प्लगइन है, उसका यूज करके आपका जो टेबल ऑफ कंटेंट ऑटोमेटिक जनरेट होता है, तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं आपके वर्डप्रेस पे और इसका यूज कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कैसे यूज करना है। ये यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है कि जो मैं हेडिंग डालूंगा वो हेडिंग हमारा टेबल ऑफ कंटेंट में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ और फिर से यहाँ पे शेड्यूल कर देता हूँ, इससे क्या होगा ये सेव हो जाएगा। अभी हमारा जो भी पोस्ट हम लिखेंगे वहाँ पे ये टेबल ऑफ कंटेंट भी आ जाएगा। तो अभी हम चलो अभी एलिमेंटर से अपना बिल्डअप करेंगे। ये हमारा हो गया एक SEO से रिलेटेड सारे चीजें। अभी हम जाएंगे पोस्ट लिखने के लिए, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर। जैसे हम एडिट विद एलिमेंटर करेंगे तो हमारा ये एलिमेंटर के थ्रू हमारा जो बिल्डर है एलिमेंटर बिल्डर है उसके तो ये ओपन हो जाएगा। देखिए इंटरफेस है, यहाँ पे लिखने के लिए क्या क्या टूल्स है, यहाँ पे बहुत सारे टूल्स हैं, मैं एक दिन में इसको कवर नहीं कर सकता। मैं धीरे धीरे आपको सारे फीचर्स आपको बता दूंगा कैसे यूज करना है। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे ये सारी चीजें यूज करने वाला हूँ, आज बेसिक जो चीजें हैं वो यूज करने वाला हूँ। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए ऐड का बटन है, जैसे ऐड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए बहुत सारे पार्टीशंस के लिए है, सेक्शन है, स्ट्रक्चर है। सिंगल वाला क्लिक कर देता हूँ फिलहाल, और यहाँ पे ऐड पे क्लिक करते ही आप यहाँ से जो भी ड्रैग करके यहाँ पे रखेंगे वो आ जाएगा। पहले हमारा क्या होना चाहिए, हेडिंग होना चाहिए, तो हेडिंग के लिए हमारा ये हेडिंग का ड्रैग करके रखेंगे। यहाँ पे हमको क्या डालना है, जैसे कि मैंने पोस्ट में लिखना है मुझे गूगल क्रोम के बारे में, तो यहाँ पे मैं गूगल क्रोम के बारे में कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे गूगल क्रोम, अभी यहाँ पे देखिए गूगल क्रोम में ये तो यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे हेडिंग कौन सा होना चाहिए, यहाँ पे देखो H2 दिया है, H3 है, आप जो भी सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे आ जाएगा, बट हेडिंग में H2 रहेगा तो बेस्ट रहेगा। अब यहाँ पे स्टाइल में जाएंगे, मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो कलर चेंज करने के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कलर सारे लगा के रखे हैं, हर हेडिंग के लिए कौन सा हेडिंग के लिए कलर कौन सा होना चाहिए, तो उस हिसाब से मेरे अपने पोस्ट के लिए जैसे कि मेरा जो कलर है उससे मैचेस में मैंने कलर लगा के रखा है। तो आप यहाँ पे आप भी कलर सेट कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप इसका फॉन्ट और ये भी चेंज कर सकते हैं, ये भी आप सेट करके रख सकते हैं। इन फ्यूचर में आगे के वीडियो में ये सब बता दूंगा। चलो फिर वापस से मेरा ये तो टाइटल हो गया, फर्स्ट टाइटल। नेक्स्ट आएगा हमारा टेक्स्ट एडिटर, यहाँ पे मुझे टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट में क्या है ये देखिए, जैसे मैंने ड्रैग डाउन करके रखा है यहाँ पे ऑटोमेटिक कुछ टेक्स्ट लिख लिया। हमें क्या करना है, अभी मैंने जो पोस्ट लिखा है इस पोस्ट को कॉपी कर लेना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये देखिए यहाँ पे मैंने कंटेंट ऑलरेडी लिख के रखा है, तो यहाँ पे देखिए पोस्ट आ चुका है। यहाँ पे टाइटल, वापस से हमको यहाँ पे क्या करना है, सपोज कि यहाँ पे डाउनलोड लिंक लगाना है, तो क्या करेंगे यहाँ पे ऐड क्लिक करेंगे, न्यू पे यहाँ पे बटन सर्च करेंगे। देखो यहाँ पे बटन है, बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूँ फिलहाल। बटन यहाँ पे इसको हमको सेंटर करना है, यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट पे देखिए सेंटर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलाइनमेंट आ जाएगा। यहाँ पे डिफॉल्ट में देखिए कितने सारे ऑप्शन है, जैसे कि डेंजर, वार्निंग, सक्सेस, डिफॉल्ट और इनफो। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है आपके ऊपर है, जैसे कि यहाँ पे मुझे लिखना है डाउनलोड, अभी क्रोम को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे मुझे लिंक देना है। तो यहाँ पे देखिए लिंक का भी ऑप्शन आ रहा है, अभी क्रोम के लिए मुझे लिंक लेना है, तो यहाँ से हम ले सकते हैं क्रोम। ये देखिए क्रोम का ये ऑफिशियल साइट है, यहाँ ऑफिशियल साइट से आप इसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर दीजिए लिंक को, लिंक को कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, ये हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे ऑप्शन आता है कि जब ये इससे आप क्लिक करेंगे तो ओपन विथ न्यू विंडो होना चाहिए या फिर सेम विंडो में ओपन होना चाहिए, तो मुझे न्यू विंडो करना है, तो यहाँ पर ओपन विथ न्यू विंडो, जब भी आप कोई भी क्लिक करेगा इस पर तो ये न्यू विंडो में ओपन होगा और आपका ये पोस्ट ओपन ही रहेगा। तो ठीक है, अभी मैं यहाँ पे आगे जाता हूँ, यहाँ पे और क्या लिखना है, फिर से मुझे
क्या करना है, टाइटल देना है या फिर हेडिंग देना है। हेडिंग में क्या है, नेक्स्ट हेडिंग में मुझे प्रोज देना है। प्रोज में क्या है, यहाँ पे मेंशन करेंगे प्रोज, और यहाँ पर टेक्स्ट में क्या आएगा, इसके प्रोज, प्रोज आएंगे सारे, क्या क्या है इसके प्रोज। ये देखिए यहाँ पे प्रोज में मेरा प्रोज आ गया। अब कॉन्स में भी मुझे हेडिंग लिखना है। अभी यहाँ से आप सिंपली इसको भी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, तो ऑलरेडी सब लिखा हुआ आ जाएगा। दूसरा मैं यहाँ पे बता दूँ, ये जैसे कि ये कलर है ऐसा, तो यहाँ पे आप सिंपली इसको पेस्ट करेंगे, राइट क्लिक करके कॉपी कर लेंगे और पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे भी मैं वापस प्रोज देखूँ, देखिए यहाँ पे कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। तो आपका जो भी स्टाइल रहेगा वो चेंज नहीं होगा, वहां से जो कॉपी करके आया है वही यहाँ पे रहेगा, सिर्फ फॉन्ट आपको टेक्स्ट ही चेंज करना रहेगा। तो यहाँ पे मैं वापस से पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे प्रोज को अभी कॉन्स मुझे चाहिए, तो कॉन्स को कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे कॉन्स लिख देता हूँ और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब वापस से मुझे टेक्स्ट चाहिए। टेक्स्ट को भी हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, जैसे कि मुझे यहाँ से सिलेक्ट नहीं करना है तो यहाँ पे कॉपी करके रख सकते हैं। तो अभी कॉन्स में मैं इसको ले लेता हूँ, ये हमारा कॉन्स हो गया। इसके बाद हम और क्या मेंशन करने वाले हैं यहाँ पे, सपोज कि मुझे यहाँ पे एक इमेज देना है, जैसे कि यहाँ पे इमेज देना है, तो क्या करेंगे, सिंपली एक स्ट्रक्चर ले लेंगे, स्ट्रक्चर के अंदर हम इमेज को पुट करेंगे। अब इमेज को पुट करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे देखिए अपलोड का ऑप्शन है, और आप यहाँ पे आपका खुद का लाइब्रेरी मिल जाएगा, जो भी आपने रिसेंटली कुछ भी अपलोड किया है यहाँ पे दिख जाएंगे। तो आपको क्या करना है, न्यू कर लेना है, फाइल अपलोड सेलेक्ट, यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में जाना है। मैंने अभी जस्ट डाउनलोड किया है एक क्रोम, गूगल क्रोम का इमेज, तो मैं यहाँ पे ले लेगा। कॉपीराइट फ्री आपको यूज करना है। मैंने आपको बता दिया है कि इसके पहले ही वाले वीडियो में मैंने बताया है कि कॉपीराइट फ्री इमेजेस कैसे क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे देखिए मेरा इमेज अपलोड होने को है, उस जब तक ये अपलोड होता है तब तक हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे टाइटल। देखिए यहाँ पे टाइटल तो आ गया, और यहाँ पे अल्ट टेक्स्ट, यहाँ पे गाइस इमेज का एसईओ करना बहुत ही जरूरी है। कभी बहुत सारे लोग इमेज को सर्च करते ही वे आपके पोस्ट पे आ जाते हैं, उससे आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और भी बढ़ जाता है, तो आप इसको भी अच्छे से करें। यहाँ पे गूगल क्रोम अल्ट टेक्स्ट में लिख देता हूँ, गूगल क्रोम एप्लीकेशन, कोई इसको अगर सर्च करेगा तो आपका पेज भी अपीयर होगा। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं, फिलहाल तो मैं नहीं डाल रहा हूँ, इंसर्ट करता हूँ यहाँ पे इंसर्ट मीडिया। ये देखें हमारा जो इमेज है यहाँ पे आ चुका है। आप यहाँ पे कौन सा भी इमेज जो भी आपको अच्छा लगे यहाँ पे डाल सकते हैं। मैंने जस्ट एक ट्रायल बेसिस पे मैंने ये इमेजेस लिए। ठीक है, अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं और क्या डाल सकते हैं। आपको मैं बता दूँ यहाँ पे एक फोल्डर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप टेम्पलेट यूज कर सकते हैं, जैसे कि ऐड। यहाँ पे मुझे ब्लॉक यूज करना है, कुछ मुझे चाहिए यहाँ पे ब्लॉक, जो फ्री वाला है मैं वो यूज कर लूंगा। अभी यहाँ पे तो सब पेड दिखा रहे हैं, जैसे कि ये वाला, यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ मैं। ये देखिए इसको ब्लॉक बोलते हैं, ये ऑलरेडी आपको एलिमेंटर डायरेक्टली जनरेट करके दे देगा। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे जैसे कि ये इमेज है, यहाँ पे टेक्स्ट है, यहाँ पे इमेज है, इसका लुक थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पे अगर सपोज कि मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ कुछ इमेज और क्रोम डाल देता हूँ, और यहाँ पे सब्जेक्ट में मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ, सब्जेक्ट लाइन गूगल क्रोम, यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो रहने देता हूँ। यहाँ पे देखिए इसका लुक कैसा दिख रहा है, एकदम अलग दिख रहा है। तो आप ब्लॉक का भी यूज करके आप आपका पोस्ट लिख सकते हैं, तो ये भी एक फीचर है। यहाँ पे बहुत सारे आपको टेम्पलेट मिल जाएंगे और उसके साथ साथ ब्लॉक्स मिल जाएंगे,
तो आप जैसा चाहिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर आप पेड वर्जन लेते हैं तो काफी सारा आपको एडवांस फीचर मिल जाता है एलिमेंटर में। आगे देखिए हमारा यूजर एक्सपीरियंस, यहाँ पे मैं फिर से पेस्ट कर लेता हूँ, तो डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे डाल देंगे यूजर एक्सपीरियंस। यूजर एक्सपीरियंस में हमारा क्या कंटेंट है वो कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर ले लेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे यूजर एक्सपीरियंस। वापस मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे क्या कंटेंट है, जैसे कॉम्पिटिटर कौन से हैं इसके कॉम्पिटिटर। और ये देखिए टैक्स है, टैक्स के साथ लिंक भी मेरा है यहाँ पे, तो भी हम टैक्स एडिटर ही यूज करेंगे। यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा मैं, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए हमारा लिंक के साथ में हमारा यहाँ पे पोस्ट भी लिख चुका है। यहाँ पे पब्लिश करेंगे, देखिए हमारा ये एक पोस्ट रेडी हो गया है। अगर हम इसको एडिट करके बाहर आके देखते हैं हमारा पोस्ट कैसा जनरेट हुआ है, कैसा बना है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि प्रीव्यू न्यू टैब, ये देखिए हमारा पोस्ट ऐसा दिखेगा। गाइस इस तरह से आपको पोस्ट लिखना है। तो आगे के वीडियो में मैं बताऊंगा कि आगे के जो फीचर्स हैं एलिमेंटर में वो कैसे यूज करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।